Assalamu alaikum. In the previous lecture, we translated the first three paragraphs from the first unit of English textbook, class 10. Today, we are going to take a start from paragraph 4. During the sermon, khutbe ke dauran, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba, ek Ansari ne बनो सालवा के कबीले के कुछ आदमियों को देखा सिटिंग देयर वहां बैठे हुए तो स्टूड अप वो खड़ा हो गया एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम और उनकी तरफ इशारा किया एंड सेड और कहा खुतबे के दौरान एक अंसारी ने बनो सालवा के कबीले के कुछ आदमियों को वहां बैठे देखा तो खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया और कहा ओ रसूल ऑफ अल्लाह ए अल्लाह के रसूल देयर एंसेस्टर्स इनके आबा अजदाद ने इनके बाप दादा ने किल्ड अ मेंबर एक फर्द को कत्ल कर दिया था और फैमिली हमारे खानदान के इनके आबा अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को कत्ल कर दिया था वी अपील टू यू हम आपसे दरख्वास्त करते हैं टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड कि आप उनमें से किसी एक को फांसी की सजा दे दें या फांसी दे दें इन एक्सचेंज फॉर दैट इसके बदले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इसके बदले इनमें से किसी एक को फांसी की सजा दे दें या फांसी दे दें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रिप्लाइड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जवाब दिया द रिवेंज ऑफ द फादर वालिद का बदला कैन नॉट बी टेकन नहीं लिया जा सकता ऑन हिज सन उसके बेटे से वालिद का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता अंसारी इस तरह से लिखते हैं बनो सालबा इस तरह से और आबा अजदाद पैराग्राफ 5 है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इतने मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस अपने इंसाफ की वजह से अपने इंसाफ के लिए मतलब अपने इंसाफ की वजह से दैट इवन द ज्यूज यहाँ तक के यहूदी भी हु वर हिज बिटर एनिमीज जो आपके बदतरीन दुश्मन थे जो आपके जानी दुश्मन थे जो आपके सख्त दुश्मन थे तो इन तीनों लफ्ज में से कोई लफ्ज आप चूज कर सकते हैं ब्रॉड देयर सूट्स अपने मुकदमात लाते थे टू हिम आपके पास आपके पास अपने मुकदमात लेकर आते थे एंड ही डिसाइडेड द केसेस और आप उन मुकदमात का फैसला फरमाते थे इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ यहूदी कानून के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इतने मशहूर थे कि जहाँ तक के यहूदी भी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे या आपके जानी दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लेकर आते थे और आप उन मुकदमात का फैसला यहूदी कानून के मुताबिक फरमाते थे ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह आप अल्लाह के इस हुक्म पर बहुत सख्ती से अमल करते थे कौन सा हुक्म इफ दे कम टू यू अगर वो आपके पास आए आइदर जज आइदर भी इसे बोलते हैं और इधर भी बोलते हैं आइदर ब्रिटिश एक्सेंट है और इधर अमेरिकन आइदर जज बिटवीन देम या तो उनके दरमियान फैसला कर दिया करें और डिक्लाइन टू इंटरफेयर या मुदाखलत करने से इनकार फरमा दिया करें इफ यू डिक्लाइन अगर आप इनकार कर देंगे दे कैन नॉट हर्ट यू तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते इन द लीस्ट जरा भर भी किसी सूरत में भी अगर आप इनकार फरमा देंगे तो वह आपको जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते या वो आपको किसी सूरत में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते इफ यू जज अगर आप फैसला करेंगे जज इन इक्विटी बिटवीन देम तो जज इन इक्विटी अदलो इंसाफ से फैसला करें
बिटवीन देम उनके दरमियान, अगर आपने उनके दरमियान फैसला करना है, अगर आपने फैसला करना है तो उनके दरमियान अदल व इंसाफ से फैसला करें। फॉर क्योंकि अदल व इंसाफ इस तरह से लिखते हैं, फॉर क्योंकि अल्लाह लज दोज, अल्लाह उन लोगों से प्यार फरमाता है, प्यार करता है, हु जज इन इक्विटी, जो अदल व इंसाफ से फैसला करते हैं। पैराग्राफ सिक्स है, जस्टिस डिमांड्स, अदल व इंसाफ का तकाजा है, अदल व इंसाफ तकाजा करता है या अदल व इंसाफ का तकाजा है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसको कायम रखना चाहिए, इसको बरकरार रखना चाहिए, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में, इवन इफ, चाहे इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ, चाहिए अगर किसी की अपनी जात के खिलाफ जाता है, वंस ऑन सेल्फ अपनी जात के खिलाफ, चाहे अगर चाहे ये किसी की अपनी जात के खिलाफ जाता है, चाहे ये किसी की अपनी जात के खिलाफ हो, ठीक है, और वंस फैमिली या किसी के खानदान और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ हो, चाहे ये किसी की जात या किसी के खानदान या किसी के रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, आप की सारी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों के मामलात के फैसले फरमाए विद जस्टिस, अदल व इंसाफ के साथ। अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों के मामलात के फैसले अदल व इंसाफ के साथ फरमाए, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने साथियों, यहाँ मुराद है अपने सहाबा से, और अपने सहाबा से फरमाया कि वो भी टू बी जस्ट, इंसाफ पसंद बने, इंसाफ पसंद, जस्ट मीन्स इंसाफ पसंद। It is reported, रिवायत है by हज़रत अली, हज़रत अली से, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, that अल्लाह रसूल, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने said to him, आपसे फरमाया, when to, ये तकाज़ा इस तरह से लिखते हैं, when to men, जब दो आदमी कम टू यू, आपके पास आए फॉर जजमेंट, फैसले के लिए, तो नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, तो किसी एक के हक में फैसला कभी ना करें, विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे शख्स के दलाइल सुने बगैर। अगर दो आदमी आपके पास फैसले के लिए आए तो दूसरे आदमी के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना करें। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, फिर इस बात का कवी इम्कान है, इस बात का ज़्यादा इम्कान है, इस बात का गालिब इम्कान है, दैट यू विल नो द ट्रुथ, आप सच्चाई जान जाएंगे, आप सच जान जाएंगे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह रसूल से, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये कहते हुए सुना, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज या मुनसिफ, मुनसिफ कहते हैं इंसाफ करने वाला, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ, हु क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, जो गरीबों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, द नीडी, ज़रूरतमंदों के लिए, मोहताजों के लिए, एंड द डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब ही मोहताज होता है, आप यहाँ मुफलिस कर दें, और मुफलिसों के लिए, कोई भी हुक्मरान या मुनसिफ जो गरीबों, ज़रूरतमंदों और मोहताजों के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर देता है, अल्लाह क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, तो अल्लाह भी
उसके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर देता है. When he becomes needy and destitute, जब वो ज़रूरतमंद और मोहताज हो जाता है. Paragraph 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was on his deathbed, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे विसाल पर थे. डेथ बेड का मतलब होता है बिस्तरे मर्ग. तो बिस्तरे मर्ग आम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अजीम हस्तियों के लिए बिस्तरे विसाल का लफ्ज इस्तेमाल करें. वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ ऑन हिज डेथ बेड, बिस्तरे विसाल पर थे. ही प्रोक्लेम्ड, आपने बाज़ाब्ता ऐलान फरमाया, इफ आई ओव्ड समथिंग, अगर मैंने कुछ कर्ज देना है, टू एनीवन, किसी का, अगर मैंने किसी का कोई कर्ज देना है, और इफ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या अगर मैंने किसी शख्स के साथ बुरा सलूक किया है, और Damaged anyone's property, या मैंने किसी शख्स की जायदाद को नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर या इज्जत को, या मैंने किसी शख्स की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, my person, मेरी ज़ात, my honor, मेरी इज्जत, and my property, और मेरी जायदाद are here, मौजूद हैं. He may take revenge on me, वो मुझसे बदला ले सकता है, in this world, इस दुनिया में. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे विसाल पर थे, तो आपने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान फरमाया कि अगर मैंने किसी का कर्ज देना है, अगर मैंने किसी का कुछ कर्ज देना है, या अगर मैंने किसी शख्स के साथ बुरा सलूक किया हो, और डैमेज एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या मैंने किसी शख्स की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, तो मेरी ज़ात, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद हाजिर हैं. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है. देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई. ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया, तकाजा किया. अ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहम का, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया. विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए. बिस्तरे विसाल. लास्ट पैराग्राफ है. अल्लाह रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल, अपनी ही मिसाल से साबित किया, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म, कि कोई भी ज्यादा साबित कदम, फर्म मीन साबित कदम या मुस्तकिल मिजाज या पुर अज़्म, कोई भी ज़्यादा साबित कदम नहीं हो सकता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के मामले में, देन हिम, आपसे. अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम टू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने साबित कर दिया बाई हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम, कि आपसे ज़्यादा कोई भी इंसाफ के लिए या इंसाफ के मामले में डट जाने वाला नहीं हो सकता. इवन इफ, चाहे इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, चाहे ये आपके अपने मफाद के ख़िलाफ़ हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उन लोगों के मफाद के खिलाफ हो, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपके अजीज व अकारिब थे. He decided every case, आप हर मुकदमे का फैसला फरमाते थे.
brought to him आपके पास आने वाले, आप अपने पास आने वाले हर मुकदमे का फैसला फरमाते थे by friend or foe, दोस्त या दुश्मन की तरफ से भेजे गए, with justice अदलो इंसाफ से, अदलो इंसाफ के साथ, without fear और favor बगैर किसी खौफ या जानिबदारी के, जानिबदारी क्या होती है, हिमायत, जानिबदारी करना, ठीक है, तो हिमायत करना। बामुहावरा तर्जमा भी इसका कीजिएगा, He decided every case brought to him, आप अपने पास आने वाले हर मुकदमे का फैसला बगैर किसी खौफ या जानिबदारी के बहुत अदल व इंसाफ के साथ फरमाते थे, चाहे वो दोस्त की तरफ से भेजा गया हो या दुश्मन की तरफ से। He decided every case, आप हर मुकदमे का फैसला फरमाते थे, brought to him, अपने पास आने वाले, आप अपने पास आने वाले हर मुकदमे का फैसला फरमाते थे, by friend or foe, दोस्त या दुश्मन की तरफ से भेजे गए, with justice, अदलो इंसाफ के साथ, without fear or favor, बगैर किसी खौफ या जानिबदारी के। तो इसका बामुहावरा तर्जमा होगा, आप अपने पास आने वाले हर मुकदमे का फैसला बगैर किसी खौफ या जानिबदारी के अदल व इंसाफ के साथ फरमाते थे, चाहे वो मुकदमा दोस्त की तरफ से भेजा गया हो और फो या दुश्मन की तरफ से। A person of such magnitude, पर्सन कहते हैं शख्स को, लेकिन यहाँ पर हम शख्स नहीं बोलेंगे, शख्सियत कह सकते हैं या और उससे अच्छा लफ्ज है हस्ती। A person, हस्ती, of such, ऐसी, magnitude यहाँ मुराद है अजीम, आला व अरफा, ठीक है, अजीम या आला व अरफा। A person of such magnitude, ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम हस्ती, ट्रांसेंड्स, बालातर होती है, द बैरियर्स, हुदूद से, रुकावटों से, कुयूद से, ऑफ टाइम, वक्त की, एंड स्पेस और जगह की। तो वक्त को कहते हैं जमा और जगह को कहते हैं मकान, तो हम बोलेंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जमानो मकान की हुदूद या जमानो मकान की कुयूद से बालातर होती है, ऐसी अजीम शख्सियत जमानो मकान की कुयूद से बालातर होती है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम जमाने के लोग, कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, आपकी हयात मुबारका से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, रहनुमाई, आपकी हयात मुबारका से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, अपने मुख्तलिफ शोबाए अमल में या अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में। दोबारा देखते हैं, तमाम ज़माने के लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपकी ज़ात अक़दस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस, कुरान पाक वाज़े तौर पर ज़िक्र फरमाता है, मेंशन को ज़िक्र ना, या यहाँ पर मुराद है इरशाद है, कुरान पाक में वाज़े तौर पर इरशाद है, दिस एस्पेक्ट, इस पहलू के बारे में, ऑफ हिज लाइफ, आपकी हयात के, आपकी हयात मुबारका के, आपकी हयात अक़दस के, कुरान पाक में आपकी हयात अक़दस के इस पहलू के बारे में वाज़े इरशाद है। क्या इरशाद है? कुरान पाक की आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये उसका तर्जमा है, इंडीड, बेशक, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल की ज़ात अक़दस में, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि ज़ाते अक्दस में यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, पैरवी करने के लिए आपके पास एक उम्दा मिसाल है या आपके पास एक उम्दा नमूना है। फॉर हिम, ऐसे शख्स के लिए, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो जिसे अल्लाह से मिलने का यकीन है या जिसे अल्लाह के हुजूर पेश होने का यकीन है, एंड द लास्ट डे, और रोज़े कयामत पर, जिसे अल्लाह के हुजूर पेश होने और रोज़े कयामत पर यकीन है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो अल्लाह को कसरत से याद करता है, मच बहुत ज़्यादा, तो जो अल्लाह को कसरत से याद करता है, जो या जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।